नमस्कार ग्लिप्स डॉट का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उद्यमियों से बात की। मोदी ने उन उद्यमियों से बात की जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना स्वरोजगार स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को भी पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए आवास योजना के लाभार्थियों से बात की थी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार ने युवाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए काम किया है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करने का मकसद युवा को शक्ति देना है। पीएम ने कहा कि पहले स्टार्टअप सिर्फ टियर 1 सिटी में होते थे, लेकिन हमने बल दिया कि इसे टियर 2, टियर 3 में ज्यादा स्टार्टअप हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में सिर्फ शहर नहीं बल्कि गाँव के युवा भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ आंकड़े भी जारी किए। उन्होंने कहा कि अभी तक जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं उनमें से 45% महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के कई हिस्सों में युवाओं से सीधे बात की और उनके अनुभव को जाना। देश के युवाओं को स्वरोजगार करने को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, जो करता है उसी को दिखता है कि क्या होने वाला है। देश का युवा जॉब क्रिएटर बने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नमो ऐप के जरिए उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया समेत कई अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए बात की थी। For more information, log on to www.clips.in.